नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। सो गाइज, ये है हमारा नया यूट्यूब सेटअप जो कि पॉसिबल हुआ है आप लोगों की वजह से। अगर आपने मेरे वीडियोस को प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया होता तो शायद ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइज फॉर हेल्पिंग मी आउट इन क्रिएटिंग अ न्यू यूट्यूब सेटअप। और हम इसी नए सेटअप पे और कार एक्सेसरीज को एक्सप्लोर करेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। आज मेरे पास है एक ट्रैश कैन। अब आप सोच रहे होगे कि इस ट्रैश कैन में ऐसा क्या है जो कि ये रिव्यू करने लायक है। सो गाइज, दिस इज़ अ स्मार्ट ट्रैश कैन। अगर आप इसका बॉक्स देखेंगे तो इस पे ये जो डिज़ाइन है, दिस हैज़ बीन एम्बॉस्ड एंड इट एक्चुअली शोज़ कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे बसियस ने कितना ज़्यादा फोकस किया है। और पीछे की ओर यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा जो ट्रैश कैन है वो किस तरीके से सेटअप होगा। और गाइस, सबसे पहले चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा स्पेशल है क्या। सो ये हमारी नाइफ एंड वील बी कटिंग द सील। सो गाइस, दिस इज द ट्रैश कैन। Have a look at it first. यहाँ पर जिस तरीके से बसियस लिखा है, this is extraordinary. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फील हो रहा है and it's all made of plastic, but a good plastic. I can't see any accessory in it. जब हम इन दोनों को साइड से प्रेस करेंगे तो हमारा इस तरीके से निकलेगा ट्रैश कैन। और इसके अंदर आई बिलीव कि इन्होंने एक्सेसरीज रखी है, आई वुड से, एंड दिस इज़ सो इनोवेटिव। और यहाँ पर हमारा ऐसे सिस्टम है। नाउ क्योंकि ये पहली बार है जो मैं इसको देख रहा हूँ, सो आई एम ऑल्सो एज कन्फ्यूज एज यू कि भाई इसमें क्या क्या मिल रखा है। सो दिस इज़ द यूज़र मैनुअल, लेट्स थ्रो इट आउट। दिस इज़ द क्लिप, ये हमें मिलता है USB-C केबल। और हमें मिलता है दो ट्रैश बैग्स। सो इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। जब हमें कोई यूनिक प्रोडक्ट मिलता है तो उसको अनबॉक्स करने में बहुत मज़ा आता है एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है कि अंदर क्या क्या मिलेगा। और इसी तरीके से इस डिवाइस के साथ भी ऐसा ही कुछ है, द स्मार्ट ट्रैश कैन। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इसको लगाऊंगा कैसे। नाइस, तो हमें इसको ऐसे खोलना है। ओके, ट्रैश बैग निकाल लिया है और ट्रैश बैग को यहाँ पे हमें अंदर डालना है इस तरीके से, ताकि ये उल्टे साइड से पूरा का पूरा निकल आए। और हम इसको वापस लगा देंगे इस तरीके से। और जो पॉलीथीन है ट्रैश कलेक्ट करने के लिए, उसको हम कुछ इस तरीके से अंदर सेट कर देंगे। नाइस, फिर इसके बाद हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे लग चुका है। ये जो बटन है बेसिकली इससे ये टर्न ऑन होगा और जब ये टर्न ऑन होगा तो लाइट जल जाएगी। ओके, आई थिंक इट इज़ नॉट चार्ज्ड, तो सबसे पहले हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा। और ये जो क्लिप है, ये जो हमें जो क्लिप मिल रखी है, इसी से हम इसको अपने चाहे डोर पे लगाएंगे, चाहे कि रियर सीट पॉकेट पे लगाएंगे। और इस क्लिप को हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा कुछ इस तरीके से। ओह, काफ़ी आसान है। हैव अ लुक, बस इसको ऐसे लेना है और इसको यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल कर देना है। इट्स डन। और ये जो क्लिप है ये इस तरीके से थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, ताकि अगर आपका जो डोर में जो स्पेस है अगर वो मोटा हो तो वो इस तरीके से लग जाए, और अगर पतला है तो भी लग जाएगी। सो काफ़ी अलग अलग यूनिक तरीके से आप इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसका ऑपरेशन मैं आपको दिखा पाऊंगा जब मैं इसको चार्ज कर लूंगा। सो लेट्स फर्स्ट चार्ज दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, फाइनली दिस इज फुल्ली चार्ज नाउ और इसके अंदर है एक 500 mAh की बैटरी। एंड लेट मी शो यू कि इसमें जो स्मार्ट ट्रैश कैन का जो इसको एक नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। सो ये सपोज ये हमारा एक ट्रैश है जिसको हमें डस्टबिन में डालना है। ऑल वी हैव टू डू इज कम क्लोज और इसका डस्टबिन खुल जाएगा एंड वी हैव टू पुट इन इट।
अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको अपना हाथ पास में ले जाना है। ये देखिए ये खुल गया और इसमें आपने डाला और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हाउ कूल इज दैट? दिस इज अ सेंसर बेस्ड डस्टबिन एंड इट्स अ स्मार्ट डस्टबिन। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए खुल गया और ये बंद हो गया। इसके अंदर है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml की स्टोरेज कैपेसिटी जो कि काफी सफिशियंट है टू यूज इन अ कार। अब चलते हैं गाड़ी में, इसको इंस्टॉल करते हैं वहां पर और इसका एक्चुअल यूसेज देखते हैं। There are multiple ways to install this device. सबसे पहले हम गाड़ी के रियर सीट पे आके इसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। रियर सीट पे इंस्टॉल करने के लिए हमें इस वाले जो प्लास्टिक का क्लिप है इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। और एक बार जब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा देन दिस इज हाउ इट विल लुक फ्रॉम बिहाइंड। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ट्रैश डालना हो, लेट मी फाइंड सम ट्रैश, चलिए लेट्स पुट दिस पेपर इनसाइड। तो हमें बस अपना हाथ ले जाना है, द बॉक्स विल ओपन और हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हाउ कूल इज दैट? देयर इज वन थिंग फॉर श्योर कि अगर आप ऐसा कोई डिवाइस अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो जो बच्चे होते हैं ना, दे विल मेक श्योर कि आपकी गाड़ी में कभी गंदगी ना फैले, बिकॉज जहां भी उनको एक कूड़ा दिखेगा दे विल मेक श्योर कि दे पिक इट अप, उसको वहां पे वो टच सेंसर से जो है उसको ओपन करें और उस बॉक्स में डालें, बिकॉज आई नो दे विल फील वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेट एडवांटेज टू योर कार इंटीरियर एज वेल। अब मान लीजिए कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको इसको फ्रंट डोर पॉकेट में इंस्टॉल करना है, देन देयर इज वन एडवाइस दैट आई वुड गिव इज दैट कि आप दरवाज़ा बंद करके करिए, क्योंकि तभी आपको स्पेस का आइडिया लगेगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर आइडिया लग रहा है कि कितनी स्पेस है और मैं इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर दूँगा। दरवाज़ा बंद करके इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप बाद में दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। सपोज़ मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया होता तो शायद ये यहाँ पर प्लास्टिक से भिड़ के टूट भी सकता था। अब अगर मान लीजिए कि आपने ड्राइवर साइड जो है इसको इंस्टॉल किया है तो आप कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। आप अपना हाथ यहाँ पर फेरेंगे, ये देखिए खुल गया है, यू विल पुट इट एंड इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। नाउ सपोज़ कि हमें इसे को ड्राइवर साइड पर इंस्टॉल करना है तो भी बहुत ईजी है। हमें इसे लेना है इस तरीके से, थोड़ा सा पीछे से स्ट्रेच करना है और ये यहाँ पर लग गया। इसका एडिशन इन योर कार विल रियली इन्हांस द लुक और एक लग्जूरियस फील देगा दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ माइन्यूट डिटेल्स एज वेल। और अब मैं इस साइड भी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे खुलता है। देखिए मैंने अपना हाथ ले गया, ये ओपन हुआ, मैंने डाला और ये अपने आप बंद हो गया। इससे गाड़ी में कोई फाउल स्मेल भी नहीं आएगी बिकॉज द लिड इज़ क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। आई पर्सनली फील कि मैं इसको ड्राइवर साइड पे कभी नहीं रखूंगा बिकॉज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कोर पैसेंजर साइड पे या फिर रियर साइड पे अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं देन इट विल बी डेफिनेटली वेरी यूजफुल। मैंने इसको इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी देर गाड़ी भी चलाई और इसमें कोई अननेसेसरी आवाज़ नहीं आ रही है एंड दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इसका जो वो प्लास्टिक क्लैम्प है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से एक सिक्योर्ड फिट आ रहा है जिसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि लगा है तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ कर रहा हो जिसकी वजह से आपको लगे कि यार ये क्या खरीद लिया। सो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट, नाइस। अगर आपके पास मान लीजिए कोई लग्जूरियस कार है, यू हैव मोर स्पेस इनसाइड द केबिन, तब तो आपको इसको इंस्टॉल करके ये लगेगा कि हाँ यार ये तो यहाँ के लिए बना ही था। सो ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड इट इज़ वेरी इनोवेटिव। आज तक मैंने ऐसा स्मार्ट डस्टबिन नहीं देखा था फॉर द कार। घर के लिए ज़रूर देखा था मैंने, बट फॉर द कार इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट अ कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट सिमिलर टू दिस। एंड गाइज वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवन्ट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।